हेलो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। अगर सही मायने में कहूँ तो प्रोग्रामिंग का एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे वहाँ फंक्शंस अवेलेबल होंगे, बस उनके नेम डिफरेंट होंगे, फंक्शंस अवेलेबल होंगे। एग्जैक्टली पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज़ फंक्शन। अगर हम लोग रियल टाइम में देखें तो हर एक, अगर रियल थिंग कोई भी देखो तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ टास्क होता है। ये जो पेन है आपका, इसका फंक्शन है लिखना, इस पेपर का भी अपना टास्क है, फैन का अपना टास्क है रोटेट करना, लाइट का अपना काल से जलना। मींस एवरीथिंग इन द रियल वर्ल्ड हैज़ अ टास्क, मतलब रियल वर्ल्ड हैज़ अ फंक्शन, हर एक चीज़ का फंक्शन है। अगर तो जब सी, जब आप लोगों को पढ़ाई गई तो सी के स्टार्टिंग में जब आपको बेसिक प्रोग्राम समझाया गया तो आपको कुछ बताया गया कि भाई प्रिंटर फंक्शन होता है, स्कैनर फंक्शन होता है। तो खास बात ये होती है कि फंक्शन की जो पहचान आपने सीखी वो ये सीखी, अगर सिंटैक्स देखा जाए तो आप देखते थे कुछ ऐसा लिखा हो कि फंक्शन नेम लिखा हो और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलन, कुछ इस तरीके से अगर कुछ भी लिखता था तो वो फंक्शन होता था। जैसे आपने इसकी जगह क्या क्या देखा, आपने देखा प्रिंटफ, हाँ जी, आपने देखा स्कैनफ, आपने देखा गेट सी एच, आपने देखा सी एल आर एस सी आर, आपने देखा स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, आपने देखा गेट एस, आपने देखा पुट एस, आपने देखा एस टी आर एलियन। देर आर सो मैनी फंक्शन जो आपने देखे, ठीक है। तो खास बात ये कि हर एक फंक्शन का एक यूनिक टास्क होता है, हर एक फंक्शन का एक यूनिक टास्क होता है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रिंटफ का टास्क क्या है, प्रिंट करना है, स्कैनफ का टास्क क्या है, स्कैन करना है, गेट सीएस का टास्क क्या है, मतलब इस जो आपकी कमांड लाइन है उसको होल्ड करके रखना है, सी एल आर एस सी आर का काम क्या है, क्लियर द स्क्रीन, गेटस का अपना काम है, पोटस का अपना काम है। मीन्स हर एक फंक्शन का एक यूनिक टास्क होता है। और खास बात ये होती है, देखो यार एक बात बताओ, मैं आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपने सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम लिखा है, तो आप कहीं ना कहीं एक फंक्शन बनाते हो। अगर ध्यान से देखो तो एक आपने और फंक्शन देखा था जिसका नाम था मेन। हर प्रोग्राम में आप लिखते हो मोन मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, बस एक ही डिफरेंस देखते हो तो वहाँ सेमी कॉलन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था अभी डिस्कस करूँगा। और फिर मेन के अंदर क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन करते थे, मीन्स बॉडी ओपन, और बॉडी के अंदर क्या लिखते थे, अपना प्रोग्राम लिखते थे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, प्रिंटफ, स्कैनफ। और एक बात बताओ, हर एक मेन आज तक आप लोगों ने जो भी प्रोग्राम दिया, हर फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता था, वापस में आपको क्या देता था, एक फंक्शनैलिटी रिटर्न करता था। क्या रिटर्न करता था, एक फंक्शनैलिटी रिटर्न करता था। मतलब आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए, हर एक प्रोग्राम, जैसे आपने सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम, तो एट द एंड जब आपने पूरा प्रोग्राम चला लिया तो आपको क्या मिला है, सम ऑफ टू नंबर। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया, इफ एल्स का प्रोग्राम बनाया, नेस्टेड इफ एल्स, फॉर लूप, बहुत सारे आपने प्रोग्राम बनाए। और हर एक प्रोग्राम से आपको अगर ध्यान दिया तो हर एक प्रोग्राम से आपको क्या मिल रहा था, एक फंक्शनैलिटी मिल रही थी। आज तक की मेरी बात ध्यान से सुनो, फंक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, कौन से होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। देखो अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो रफली वे में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँगा, अभी आप समझो। और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दूसरे कौन से होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। खास बात, आज तक आप लोगों ने जितने भी ये जो प्रिंटफ है, स्कैनफ है, जिनका टास्क प्री डिफाइंड है, उन सारे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस। क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि प्रिंटफ, स्कैनफ किस लाइब्रेरी का फंक्शन है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का फंक्शन है, गेट सी एच किस लाइब्रेरी का फंक्शन है, कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का फंक्शन है, और ये क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शन, ये भी एस टी डी आई ओ के। जैसे एस टी आर एलियन, ये किस लाइब्रेरी का फंक्शन है, स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी का फंक्शन है। मीन्स मैथ डॉट एच के लिए पावर हो गया, एस क्यू आर टी हो गया। मीन्स अच्छे एक बात बताओ, हवा में है क्या भाई। जैसे अगर मैं आपको हमेशा बोलता था जब आपने प्रोग्राम लिखा कि भाई void main है ना, मान लो आप प्रोग्राम लिख रहे हो void main, और आपने लिखा कि प्रिंट एफ हेलो, ध्यान से सुन,
प्रिंटर पढ़ते ही कंपाइलर समझ जाता है कुछ प्रिंट करना है, कुछ मुझे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? जो उसके अंदर लिखा है वो मुझे प्रिंट करना है। अब खास बात ही कि कंपाइलर को हवा में पता चल गया कि प्रिंट ऑफ जो है प्रिंट करना है। तो जिन्होंने डेनिस रिची ने क्या हुआ, जिन्होंने सी डेवलप की डेनिस रिची ने, उन्होंने क्या सोचा जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की, उन्होंने कहा यार कि मतलब कुछ ऐसे कामों की ज़रूरत पड़ेगी जो हर प्रोग्राम में करना पड़ेगा। मतलब उन्होंने कहा कि हर प्रोग्राम में मुझे प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने सोचा हर एक प्रोग्राम में मुझे यूज़र से इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने सोचा कि मुझे हर एक प्रोग्राम में स्क्रीन को होल्ड करना पड़ेगा, मुझे हर एक प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेनिस रिची ने खुद ही प्रिंटफ का प्रोग्राम बना दिया, खुद ही प्रिंटफ का प्रोग्राम बना दिया और उस प्रोग्राम को बना के कहाँ स्टोर कर दिया, लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया। तो एक तरीके से आप ये समझो कि प्रिंटफ का हवा में टास्क नहीं, जैसे सम ऑफ टू नंबर का पूरा प्रोग्राम लिखते हो, यहाँ पर 10-15 लाइनें लिखते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि अच्छा यार मुझे सम ऑफ टू नंबर दो नंबर का एडिशन दे रहा है ये प्रोग्राम। क्या प्रिंटफ कहाँ से आया, प्रिंटअप कहाँ से आया भाई, उसका प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है लाइब्रेरी में। तभी क्या होता है पता है, जैसे ही कंपाइलर सोचता है प्रिंटअफ, तो उस टाइम पे क्या होता है एग्जैक्टली हम ढूंढ वो पर्टिकुलर उस लाइब्रेरी में जाता है। मतलब मैं आपको हमेशा कहता था कि प्रिंटअप की अगर लाइब्रेरी नहीं लिखोगे तो एरर होगा, क्योंकि इसके कोड को वो कहाँ से कॉपी कर लेता है, यहाँ से उसकी लाइब्रेरी से कहीं ना कहीं। ये मैं अभी थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा, अभी आइडिया समझो एग्जैक्टली क्या है। लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जिनकी ऑलरेडी बॉडी बनी हुई थी, जिनकी ऑलरेडी बॉडी बनी हुई थी, मतलब जिनको हमने डेफिनेशन, जिनको हमने नहीं बनाया, जिनके प्रोग्राम को हमने नहीं क्रिएट किया, वो ऑलरेडी बने बनाए हैं, वो लाइब्रेरी में स्टोर है, उन्हें डेनिस रिची ने बनाया। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनकी बॉडी हम बनाते हैं। तो मेरी आज तक एक बात समझ लो, आज तक जितने भी प्रोग्राम तुमने बनाए वो सब यूज़र डिफाइंड थे। क्यों, सम ऑफ टू नंबर क्या पहले से ऐसा कोई फंक्शन है जो सम ऑफ टू नंबर कैलकुलेट कर ले, नहीं। क्या फंक्शन फैक्टोरियल निकालने का कोई फंक्शन था, नहीं। आपने फिबोनाची सीक्वेंस लिया, ऐड डिजिट ऑफ अ नंबर, पैलिंड्रोम चेक किया, आर्मस्ट्रांग चेक किया, परफेक्ट चेक किया, कहीं क्या उनके लिए कोई फंक्शन यूज किया प्रीडिफाइंड, नहीं, वो प्रोग्राम आपने बनाया, तो वो सब यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो अच्छा टास्क क्या था, ये प्रिंटफ स्कैनफ बनाने का फायदा क्या हुआ, आप सोचो धीरे धीरे। देखो भाई एक साफ सी बात बता रहा हूँ, आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब तक का ऐसे समझ लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो खास बात ये, एक मोटिव सोचो कि उन्होंने प्रिंटअप का प्रोग्राम एक बार बनाया, मतलब इसका प्रोग्राम एक बार बनाया और उसको जाके लाइब्रेरी में स्टोर कर दिया, और सोचो हम जैसे थाउजेंड ऑफ यूजर्स उस प्रिंटअप फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो कहीं ना कहीं कोड रीयूजिबिलिटी नहीं हो रही, कोड रीयूजिबिलिटी नहीं हो रही है। मतलब एक राइट वंस, कोड रीयूजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, राइट वंस और यूज नंबर ऑफ टाइम, हम लोग कितनी बार उसको यूज कर सकते हैं, कोड रीयूजिबिलिटी, एक बार कोड रखो, कोड को रीयूज करते रहो। तो तुम लोगों को पता है जैसे फेसबुक है, अगर आप देखोगे फेसबुक पे जब आप फोटो अपलोड करते हो तो अपलोड कर फेसबुक पे भी सेम अपलोड होता है, व्हाट्सएप पे भी सेम अपलोड होता है, इंस्टाग्राम पे भी सेम अपलोड होता है, लिंक्डइन पे भी सेम अपलोड होता है। अपलोड मीन्स जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हो, आपके जो कंप्यूटर या मोबाइल की जो गैलरी होती है वहाँ से फोटो आप पिक करते हो, अपलोड कर देते हो। आपने देखा सेम फंक्शनैलिटी, इसका मतलब क्या है, अपलोड का एक बार कोड बनाया हुआ है और उसे हर कोई यूज़ कर रहा है। पर थोड़ा सा एफिशिएंसी और नॉट एफिशिएंट कोड का डिफरेंस हो सकता है, तो समथिंग लाइक दैट। तो मेरा कहने का मतलब है फंक्शन के लिए अभी इतना समझो, फंक्शन इज नथिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड लिखोगे, उस ब्लॉक ऑफ कोड आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करेगा। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे वो प्रोग्राम आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। तो आज तक आपने क्या लिखा, ब्लॉक ही तो लिखे, आज तक आपने मेन को ओपन किया, क्लोज किया, ये क्या लिखा, ब्लॉक ऑफ कोड। हर एक प्रोग्राम में आप क्या लिखते थे, ब्लॉक ऑफ कोड। आपको रिटर्न में क्या मिलता था, फंक्शनैलिटीज मिलती थी। तो कहीं ना कहीं फंक्शन का टास्क ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी, बहुत सारे एडवांटेजेस। ऑलवेज रिमेंबर, आप जब रियल लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब इंडस्ट्री में जाओगे, तब आप जो है ना फंक्शंस का ही यूज़ करोगे, इसलिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है
हमेशा आज तक जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं सब आपने यूज़र डिफाइंड बनाए हैं, सबकी बॉडी आपने क्रिएट करी, इसका मतलब जिस सबका डेफिनेशन आपने लिखा इसलिए वो यूज़र डिफाइंड है। इन प्रिंट ऑफ स्कैनफ को आपने नहीं बनाया तो इसलिए प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ए फंक्शन इज नथिंग अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक प्रोग्राम होगा ब्लॉक ऑफ कोड, अगर वो ब्लॉक ऑफ कोड पहले से लिखा हुआ है तो वो प्री डिफाइंड हो गया, अगर आप लिख रहे हो तो वो यूजर डिफाइंड हो गया, और ब्लॉक ऑफ कोड वो आपको कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी रिटर्न करेगा। अब मैं इसको टेक्निकल टर्म में बताने वाला हूँ, अब और ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप फंक्शन का डेफिनेशन देखना चाहो, अब फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, आज तक क्या लिखते थे, मेन जो फंक्शन था, मेन क्या था, फंक्शन ही तो था। मैंने फंक्शन को पहचानने का तरीका समझाया आपको कि फंक्शन नेम और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलन कुछ इस तरीके से, इसकी जगह प्रिंट ऑफ स्कैन है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन खास बात ये थी मेन में सेमी कॉलन नहीं होता, वो अभी हम सोचेंगे क्यों नहीं होता। तो मेन एक फंक्शन था, उसके अंदर का प्रोग्राम किसने लिखा, सेट ऑफ स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना, मेन जो बॉडी के अंदर जो लिखते हैं, जो भी लाइन्स लिखते हैं उन्हें स्टेटमेंट्स बोलते हैं। द फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट टेक्स इनपुट, हम लोग स्कैन की इनपुट ले रहे थे, एंड डू सम स्पेसिफिक टाइम, हम एडिशन कोई भी कंपटीशन कर रहे थे, एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो एग्जैक्टली अभी तक की लाइफ हमारी एक तरीके से टफ थी, अब उसे ईजी करने जा रहा है। कैसे, द आइडिया इज टू पुट सम कॉमनली रिपीटेड डन टास्क टुगेदर एंड मेक अ फंक्शन। मीन्स ध्यान से सुनो, जैसे डेनिस रिची ने तो उस समय सोचा कि यार प्रिंट करना पड़ेगा, बहुत सारी ज़रूरत है, ऐसे ही रियल टाइम पे आज के टाइम पे क्या किया जा रहा है, ध्यान से सुनना, कि जो कोड या जो टास्क रिपीटेड है, जैसे मैंने अपलोडिंग का काम बताया, ऐसे चैट आपकी अगर ध्यान दो तो चैट कई जगह होती है, तो आपको पता है एक बार चैट का कोड लिखा गया और उसको कहीं ना कहीं लाइब्रेरीज में सेव कर दिया गया, हम क्या कर रहे हैं, अगर सपोज दैट तुम और मैं वेबसाइट बनाने जाऊंगे तो तुम क्या चैट का कोड लिखोगे, नहीं, तुम जाके नेट पे सर्च करो, चैटिंग का कोड आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक बार किसी ने लिख दिया, उसको बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन फॉर द डिफरेंट इनपुट वी कैन कॉल द फंक्शन। वॉट इट मीन्स कॉल द फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट एज मच एज यू कैन, ओके। तो ध्यान से सुनो, मैं यू अब जो भी बात करूँगा यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करूँगा, लाइब्रेरी फंक्शन की बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, ये बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी हैव। ध्यान से सुनो, एक मैंने मान लो यहाँ पर बनाया, ध्यान से सुनना, हमेशा एक होता आपका कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आप फंक्शन को कॉल करते हो, कॉल द फंक्शन। एक होता जहां फंक्शन की बॉडी लिखी होती है, फंक्शन की बॉडी लिखी होती है और वो आपको कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी रिटर्न करता है, तो आप क्या करते हो, कॉल द फंक्शन, और आपको वापस में क्या करेगा, वो फंक्शनैलिटी रिटर्न करता है। तो ये कॉलिंग प्रोग्राम या कॉलिंग या फिर कॉलिंग प्रोग्राम कह सकते हो, या फिर कॉलिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, कॉलिंग फंक्शन भी बोल सकते हो, ये आपका कॉल्ड प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है, कॉल्ड, ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। ये बहुत धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, ध्यान से देखो। जैसे जब भी आपका प्रोग्राम आप शुरू करते थे तो अचानक से क्या आ जाता था, फंक्शन आ जाता, मान लो एक फंक्शन लिखा था ऐसा करके लिखा होता था प्रिंट ऑफ, तो तुमको पता है एग्जैक्टली, मैं हमेशा बोल देता था कि यार प्रिंट ऑफ मीन्स कंपाइलर तुरंत समझ जाता है कि मुझे प्रिंट करना है, हवा में नहीं है चीज़ें। जैसे ही कंपाइलर प्रिंट ऑफ को पढ़ता है वो तुरंत ही कॉल लगाता है, कॉल लगाता है कहाँ, इसकी बॉडी को ढूंढता, भाई प्रिंट ऑफ मतलब हवा मतलब क्या भाई, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ इज नथिंग भाई। आप मान सोचो सम ऑफ टू नंबर के आप लोग इवेल्युएट करने के लिए आप 10 लाइन का प्रोग्राम लिख रहे हो, सम ऑफ डिजिट के लिए आप दुनिया भर का प्रोग्राम लिख रहे हो, मैट्रिक्स मल्टीपल दुनिया भर का प्रोग्राम लिख दो। अब मैं ऐसे हवा में लिखूं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तो ऐसे प्रिंट ऑफ मीन्स नथिंग, कंपाइलर क्या करेगा, इसकी बॉडी को ढूंढेगा, इसकी बॉडी कहाँ मिलेगी, stdio डॉट, तुम लोगों को पता वहाँ क्या हुआ, इस तरीके से जैसे आप मेन लिखते थे ना, मेन नाम से बॉडी बनाते थे, ऐसे ही वहाँ प्रिंट ऑफ नाम से बॉडी बनी होगी, उसका पूरा प्रोग्राम लिखा होगा, वो प्रोग्राम क्या होगा, उसके अंदर प्रिंटिंग की फंक्शनैलिटी का प्रोग्राम लिखा होगा, और क्या होगा, उस फंक्शन को हम कॉल लगाएंगे, तो stdio.h में जो प्रोग्राम होगा, खास बात होती है यही, रिमेंबर हमेशा ध्यान दो, हर फंक्शन आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ये आपको रिटर्न में क्या देगा, ओ भैया तुम रिटर्न कर लो, ये प्रिंट करने की फंक्शनैलिटी रिटर्न कर देगा यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ से कॉल किया प्रिंट ऑफ, वो ठीक है यार, अच्छा अचानक से क्या हुआ, स्कैनफ मिल गया, ओके फिर से कॉल लगेगी,
कहाँ ढूंढेगा फंक्शन की जहाँ बॉडी, तो इसी नाम का scanf नाम का प्रोग्राम लाइब्रेरी में बना होगा भाई। scanf पढ़ते ही मैं कह देता था टेक देन पुट फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर्ड इनटू द मेमोरी, नो 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 नो, उसका प्रोग्राम बना होगा, ये प्रोग्राम स्कैन करने की फंक्शनैलिटी होगी, ये प्रोग्राम आपको वापस देगा। क्या फंक्शनैलिटी वापस देगा भैया, टेक यूजर से इनपुट ले लो, बात समझ में आ रही है। अच्छा सपोज दैट हे मैं एक प्रोग्राम सॉल्व करने जा रहा हूँ, खास बात है आज तक आप लोगों ने कोई भी फंक्शन खुद से नहीं बनाया, मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ। आपने हमेशा एक ही फंक्शन जो मेन था, मेन के अंदर आपने बॉडी लिखी, आप जैसे प्रिंट एफ स्कैन एफ आप अपने खुद के भी फंक्शन बना सकते हो, वही इस प्रोग्राम में हम लोग सीखने वाले हैं। तो एग्जैक्टली क्या, अब ध्यान से सुनो, मान लो यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, टू नंबर ऐड करोगे तो पता क्या होगा, एक मेन प्रोग्राम होगा, अब वहाँ से टू टू टू, ध्यान से सुनो, मतलब एक आपको प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोग्राम आपको क्या करे, आप उसमें दो नंबर इनपुट करो, दो नंबर वो रिसीव करे और आपको क्या प्रोड्यूस कर दे, आपको उसका सम प्रोड्यूस कर दे, इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है। तो उससे पहले क्या करूँ, कुछ हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और जो सिंटेक्स काइंड ऑफ थिंग है वो लिख लेते हैं। ये मैं सिंटेक्स लिख दे रहा हूँ, अभी इसका यूज़ पढ़ने वाला है थोड़ी देर में, ध्यान से सुनो। सिंटेक्स है लाइक इसको बाय हार्ट करना जो मैं अभी लिख रहा हूँ। सबसे पहले सिंटेक्स होता है फंक्शन टाइप, जो हम फंक्शन बनाते हैं उसका सिंटेक्स लिख रहा हूँ। ये बेसिकली ये है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, क्या है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का सिंटेक्स, है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन का सिंटेक्स लिख रहा हूँ। फंक्शन टाइप, ठीक, फंक्शन नेम, ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप वन, आर्गुमेंट वन, ये आर्गुमेंट वन क्या होता है अभी बताऊंगा, कॉमा, इसके आगे स्पेस नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। डेटा टाइप टू, आर्गुमेंट टू, इस तरीके से ये आपका, देयर इज नो सेमीकॉलन, ध्यान देना यहाँ पर सेमीकॉलन नहीं है। उसके बाद क्या होगा, बॉडी ऑफ अ फंक्शन, जो आप लोग बॉडी ऑफ अ फंक्शन इज नथिंग, जो आप प्रिंट ऑफ स्कैन ऑफ लिखते हो, बॉडी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, और वो आपको रिटर्न करेगा। आपने कई बार नेट पे देखा होगा रिटर्न रिटर्न लिखता रहता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है अब आप समझो, ठीक है। अब एग्जैक्टली है फंक्शन टाइप इज नथिंग अ रिटर्न टाइप, और वी कैन से रिटर्न टाइप। बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही होगी, सर ये क्या बकवास लिख रहे हो आप, लेकिन अभी पेशेंस रखो, अभी धीरे धीरे समझ में आने वाला है। इसको आप लोग जो यहाँ पर लिखो, इनको पैरामीटर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स भी बोलते हैं, तो आप समझ में आएंगे। अब मैं मेन कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ, ध्यान दो, एक बार ध्यान से समझ लो, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। एग्जैक्टली आप जो भी प्रोग्रामिंग करते थे, आप डिफरेंट वे से प्रोग्रामिंग सीखोगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, राइट है सी प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग द फंक्शन। अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई सब लोगों को सम ऑफ टू नंबर, आप एकदम आँख बंद करके भी लिख सकते हो सम ऑफ टू नंबर्स का, इतना मेरे को बिलीव है। तो एग्जैक्टली सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम आपको बनाना है, तो एकदम लीनियर, जो मतलब कि बच्चा प्रॉब्लम है, एकदम बिगनर वाला, जैसे लिखते हैं ना प्रोग्राम, उसी तरीके से प्रोग्राम को लिख रहा हूँ। आप लोग मुझे गाली भी देने वाले हैं कुछ देर में, बट स्टिल डोंट वरी। ध्यान से देखो, यहाँ मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, हैश इंक्लूड आपका फेवरेट हेडर फाइल से ये conio.h, ठीक है। आप एक एक लाइन यहाँ पर छोड़ दें, थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ अभी पता चलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मैंने छोड़ा। आप void main लिख रहा हूँ, अभी भी मैंने लाइफ आपकी चेंज नहीं की, अब चेंज करूँगा कुछ देर में। void main आपका फेवरेट void है, एग्जैक्टली आज तक आप लोगों को यही नहीं पता what is void, अभी डिस्कस कर रहा हूँ what is void and all, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों को आइडिया हो कि सम ऑफ टू नंबर के लिए आप लोग कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, तुरंत आप लोग कहोगे सर तीन, ठीक है भाई मैंने तीन वेरिएबल ले लिए। एंड आपके फेवरेट वेरिएबल्स ए कॉमा बी कॉमा सी, मैंने हमेशा कहा कि मीनिंगफुल ऑपरेटर लेना चाहिए, बट रफली के लिए मैं ए बी सी ले रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, प्रिंट एफ, एंटर एनी टू नंबर्स, एंटर, एंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड फेवरेट ऑफ फंक्शन है स्कैनएफ, मैंने कहा फंक्शन को पहचानने का तरीका होता है फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलन। अगर ध्यान दो तो ये भी फंक्शन है, फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, देयर इज नो सेमी कॉलन। यहाँ सेमी कॉलन क्यों है, यहाँ सेमी कॉलन क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, ठीक, एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी। अगर ध्यान दो तो इन तीनों के लिए यहाँ पर मेमोरी बनेगी, ए बी और सी, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एड्रेस कंप्यूटर जनरेट करेगा इनके लिए,
ठीक है, इन सब का साइज कितना होगा, 2x2 का, इट्स प्योरली डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, ओके फाइन। हाँ जी, अब आप इसके बाद अगर आप लोगों को याद हो तो आपकी फेवरेट लाइन लिखते थे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, आप यही लिखते थे, बट थोड़ा सा मैंने आइडिया चेंज किया, मैं कुछ लिख रहा हूँ सी इक्वल्स टू, एक एड लिख रहा हूँ और कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए कॉमा बी, आपकी जिंदगी खत्म हो गई सर, ये क्या कर दिया आपने, प्रिंट एफ द सम इज, और मैं कुछ लिख रहा हूँ द परसेंटाइल डी, और मैंने प्रिंट कराया सी को, और मैंने यहाँ लिखा गेट सी एच, और मैंने प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया। आप तुरंत सोच रहे हो व्हाट द हेल इज दिस सर, ये क्या बकवास है, लेकिन डोंट वरी, पेशेंस रखो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कंपाइलर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन, कहाँ से शुरू करता है कंपाइलर आपके प्रोग्राम को पढ़ना, मेन से, ध्यान से देखना, ये लाइन क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे ही आप वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करते हो तो क्या होता है, आपकी मेमोरी एलोकेट होता है जितनी रिक्वायरमेंट है। अब ध्यान से सुनना, प्रिंटर पढ़ते ही कंपाइलर समझ जाता है कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना, एंटर एनी टू नंबर्स एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। एक बात बताओ, प्रिंटर पढ़ते ही मैं समझ गया कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, कैसे पता चला कंपाइलर को, तो ध्यान से सुनो, जैसे ही प्रिंटर प्रिंट को पढ़ता है, प्रिंटर को कॉल लगती है, प्रिंटफ नाम के फंक्शन को हम ढूंढते हैं, क्या प्रिंटफ नाम का फंक्शन कहीं है, 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 तो पता है ये जब कॉल लगेगी तो इसकी लाइब्रेरी में जाएंगे, इस लाइब्रेरी में प्रिंटफ का प्रोग्राम बना होगा और वो आपको फंक्शनैलिटी रिटर्न करेगा और प्रिंटफ को पता चल जाएगा अच्छा मुझे कुछ प्रिंट करना है। बात समझ में आ रही है, एंटर एनी टू नंबर स्कैनफ सेम एज इट इज जो प्रिंटफ के लिए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोस्तों सुनो, देखो यार अब ध्यान से सुनो, स्कैनएफ के लिए मान लो टू नंबर्स आपने थ्री इनपुट किया, फाइव इनपुट, थ्री और फाइव का आपको एडिशन चाहिए। अब ध्यान से देखो, मान लो ठीक, ये कौन सा ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, मीन्स राइट में जो भी होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट कहाँ असाइन होगा, लेफ्ट में असाइन होगा। अब खास बात देखा आपने, देखा ओ कि भाई अगर कुछ ऐसा तो लग रहा है, ये फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलन कुछ हुआ, तो एक तरीके से फंक्शन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इसे बोलते हैं कॉल द फंक्शन। क्या होता है, कॉल द फंक्शन, ये लगा कॉल द फंक्शन, कॉल द फंक्शन का मतलब है इस फंक्शन की मुझे बॉडी ढूंढनी है, इस फंक्शन की मुझे बॉडी ढूंढने का मतलब बॉडी इस तक जहां से करली ब्रैकेट ओपन, जहां से करली ब्रैकेट इसके बीच में क्या लिखी होती है, बॉडी लिखी होती है ना, इसकी बॉडी ढूंढनी है। जैसे प्रिंटर की बॉडी मुझे एसटीडीआई में मिल गई, स्कैनफ की बॉडी मुझे एसटीडीआई मिल गई, इस एड नाम, देखो ये दोनों है प्रीडिफाइंड फंक्शन, ये है लाइब्रेरी फंक्शन, ये पहले से बनी होती है, डेनिस रिची ने बनाया, एड नाम के फंक्शन को तुमने बनाया तो इसकी बॉडी भी कौन बनाएगा, तुम बनाओगे। तो ध्यान से सुनना, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो या कोई नया फंक्शन बनाते हो तो उसकी बॉडी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बॉडी लिखने का तरीका मैंने अभी सिंटेक्स लिखा था, सबसे पहले अगर अभी जिसके पास रिकॉर्डेड है वो देखे कि सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन टाइप, कि फंक्शन का टाइप और रिटर्न टाइप मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले था फंक्शन टाइप, उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, फिर डेटा टाइप वन, आर्गुमेंट वन, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर सिंटैक्स बना रहा हूँ। तो ये आपकी बॉडी को डिफाइन करने का तरीका है। अब ध्यान से देखो, एग्जैक्टली देखो, मैंने लिखा सबसे पहले फंक्शन टाइप, ये क्या होता है, मैंने लिखा इंट, हे आज फंक्शन टाइप इज नथिंग अ डेटा टाइप, एग्जैक्टली रिटर्न टाइप। अब ये इंट क्या, आपको स्टिल नॉट समझ में आ रहा। फिर तीसरा अगर सिंटेक्स देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ऐड, तो ऑलवेज रिमेंबर जो यहाँ आप फंक्शन कॉल कर रहे हो एज इट इज नेम होना चाहिए, देर इज नो कैपिटल स्मॉल लेटर का भी फर्क नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ से आप कितने पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर दो पैरामीटर, उतने ही यहाँ पर। अभी देखो, अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, इंट ए कॉमा इंट बी, वॉट इट मीन्स, और देर इज नो सेमी कॉलन। देखो यहाँ, यहाँ सेमी कॉलन, यहाँ नहीं सेमी कॉलन, फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब एग्जैक्टली क्या होता है, देखो अभी तो यार मैं काफ़ी कुछ आपको रफली समझा रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स एक दो लेक्चर के बाद समझाने वाला हूँ। देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, राइट टू लेफ्ट वर्क करेगा, राइट में क्या दिखा, ओ फंक्शन, तो हमेशा ध्यान दो जब ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलन लगता है, सेमी कॉलन लगने का मतलब तुरंत कॉल लगता फंक्शन, ये बॉडी ढूंढेगा, बॉडी ढूंढेगा, बॉडी ढूंढेगा, बॉडी ढूंढेगा, यहाँ भागेगा, यहाँ जंप मार के, जंप कॉल द फंक्शन, यहाँ जंप मार के आएगा। और ध्यान से सुनना, ऐड को कॉल लगी, ऐड नाम का फंक्शन मिल गया, इसे किस किस का सम चाहिए, वो यहाँ पर पास करते हैं, इसे बोलते हैं पास द पैरामीटर्स, पास द पैरामीटर्स, पास द, ये जो ए और बी हैं इन्हें पैरामीटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स, क्या बोलते हैं,
पैरामीटर्स, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो जो आपको फंक्शनैलिटी चाहिए उस फंक्शनैलिटी को के लिए जो डेटा चाहिए वो डेटा हम ऊपर से भेजते हैं। हमने ए और बी को भेजा, ए और बी एक बार बोलो, ए किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। बी किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? 5। इंट और इंट है तो ध्यान से सुनना, जिस टाइप की आप वैल्यू भेजोगे सिर्फ सेम उसी टाइप के आपको रिसीवर भी चाहिए। यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं, यहाँ रिसीवर कर रहे हैं, तो एक ए वेरिएबल है इसका लोकल वेरिएबल, एक बी वेरिएबल। हमेशा ध्यान दो, जो यहाँ ए और बी ले रखा है यहाँ आप डिफरेंट भी ले सकते हो, मीन्स अगले प्रोग्राम में डिफरेंट भी आप सेम भी ले सकते हो। तो ध्यान से सुना, ए से पास किया 3 तो वो ए रिसीव, इंट क्यों लिया? क्योंकि ये इंटीजर टाइप का। यहाँ इंट क्यों लिया? क्योंकि ये बी टाइप का है। तो ए ने ए यहाँ 3 रिसीव करेगा, यहाँ बी आएगा यहाँ 5 रिसीव करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब एग्जैक्टली स्टिल आपके दिमाग में डाउट होगा, सर ये इंट क्या है? अभी समझा रहा हूँ, डोंट वरी। मैंने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल लिया सम, ठीक है, और लिखा सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप यहाँ डिफरेंट भी ले सकते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डिफरेंट ही लेना है, तब आपकी लाइफ ज़्यादा ईजी रहेगी, आपको पहचानने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। सम और रिटर्न सम, रिटर्न ये लिखा आर यू टी यू आर एन रिटर्न सम। हे एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होगा सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ से ऐड पढ़ते ही कंपाइलर कॉल लगाएगा, कॉल लगाते ए और बी जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में वैल्यू आ रही है उसी सीक्वेंस में ये वैल्यू रिसीव होगी 3 और बी। सम इनका एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, सम में क्या होगा, ए और प्लस बी का सम आएगा 5 और 3 कितने हो जाते हैं 8, और ये यहाँ से रिटर्न करेगा आपको सम, जहाँ से कॉल कर रहा था वहाँ रिटर्न, और रिटर्न करके हम यहाँ वापस जाएंगे, ठीक। ये जो 8 है ये साइन होगा सी में और लिख के आएगा द सम इज 8। तो कुछ तरीके से, तो ध्यान से सुनना, दिस इज कॉल द फंक्शन, दिस इज ये जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एक बात बताओ, ये कैसा, ये यूजर डिफाइंड है कि प्री डिफाइंड है? यूजर डिफाइंड है, इसकी बॉडी आपने बनाई इसलिए ये यूजर डिफाइंड है। प्रिंट ऑफ क्या है? प्री डिफाइंड। स्कैन ऑफ क्या है? प्री डिफाइंड। इसकी बॉडी किसने बनाई? आपने। तो ये डेफिनेशन आप बना रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी फंक्शन को बॉडी बनाते हो डिफाइन करते हो देयर इज नो सेमी कॉलन, जब आप कॉल करते हो तो हमेशा आप सेमी कॉलन लगाओगे। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एक और चीज है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान देना कि जिस जैसे आप लोग जब भी किसी भी जैसे ए और बी को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो तो ऊपर डिक्लेयर करते हो ना, इसी तरीके से ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को आप एक तरह में नया नवेला यूज़ कर रहे हो तो इसका भी डिक्लेरेशन करना होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा मेन से ऊपर होता है। तो एज इट इज़ सिंपल तरीका है, जिस तरीके का आपका लिखा हुआ एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर दो, सिंपल लिखना है इंट एड, और जिस तरीके से लिखा है int a कॉमा int b, आप int कॉमा int भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो राइट, बस सेमी कॉलन लगाओ, और int a कॉमा int b भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो राइट। एक और लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनो, हे दिस इज वॉट रिटर्न टाइप, दिस इज वॉट रिटर्न टाइप, ऑलवेज रिमेंबर, जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन जिस टाइप की भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो टाइप यहाँ आएगा। एक बात बताओ, सम जो है ए और बी, ए इंटीजर बी इंटीजर दोनों का सम इंटीजर, तो इंटीजर में सम भी क्या है? इंटीजर है, तो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर मान लो इंट और फ्लोट होता तो फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता, तो यहाँ क्या आता? फ्लोट आता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हे तो ध्यान से सुनो, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉल द फंक्शन, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ध्यान से सुनो, एक और चीज बता रहा हूं, ये जो जहां से वैल्यू आप पास कर रहे हो, जहां से आप वैल्यू, ये पैरामीटर्स हैं। कौन से हैं पैरामीटर? तो ध्यान से सुनना, रफली बता रहा हूं, पैरामीटर्स आपके दो टाइप के होते हैं। पैरामीटर्स आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अभी ये अभी पहला प्रोग्राम है, डोंट वरी, जब प्रैक्टिस करोगे तो काफी ईजी हो जाएगा। पैरामीटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर्स, एक होता आपका फॉर्मल पैरामीटर। क्या होता है? फॉर्मल पैरामीटर। तो ध्यान से सुनो, जहाँ कॉल करते हैं, कॉलिंग जो, जहाँ ये आपका कॉलिंग प्रोग्राम, ये कॉल्ड फंक्शन है, तो जहाँ कॉल करते हैं ये जो ए और बी हैं,
ये हैं आपके एक्चुअल पैरामीटर जो इन वैल्यूज को रिसीव करते हैं ए और बी, ये हैं आपके फॉर्मल पैरामीटर्स। अभी इस पे भी डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी इसमें भी डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। अब एक चीज मैं आपसे लोगों से पूछ रहा हूँ, एक लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। आज तक आप लोग हमेशा, जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ये मेन ओपन ब्रैकेट कहीं ना कहीं है। जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, सिंटैक्स सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, तो आज तक जितने भी प्रोग्राम लिखे हैं दिस इज नथिंग अ रिटर्न टाइप। अगर कहीं कहीं आप लोग नेट पे देखते हो गए, कहीं इसकी जगह लिखा होता है इंट लिखा होता है, कहीं फ्लोट लिखा होता है, कहीं लिखा होता है ना, तो ध्यान से सुनो, यहाँ वॉइड क्यों लिखते हैं, रिमेंबर। अगर आपका जो फंक्शन जो आपने बनाया है, अगर वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो इंट, फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा फ्लोट। और ध्यान से सुनो, ऐसी भी सिचुएशन आएंगी कि आपका प्रोग्राम, आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे। जब आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं होता तो वहाँ लिखते हैं void। तो एक बात बताओ, आज तक जो आपने फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन बनाया ना, तो आज तक आपके प्रोग्राम में कुछ भी रिटर्न किया क्या? आज तक कुछ भी रिटर्न किया नहीं, रिटर्न किया तो आज तक आप लोग क्या लिखते थे? वॉइड मेन। हमेशा ध्यान दो, जब भी अगर आप लोग देखते हो, अगर इंट मेन लिखा होता है तो नीचे उस प्रोग्राम में आपके नेट पे इंटरनेट पे देखते हो तो रिटर्न जीरो या रिटर्न वन लिखा होता है। तो वन और जीरो क्या? इंटीजर वैल्यू, तो इंट रिटर्न कर रहा है इसलिए इंट लगते हैं। चूंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया इसलिए हमेशा वॉइड लिखा हम लोगों ने। तो ध्यान से सुनो, आज तक अगर ध्यान दो तो दिस इज रिटर्न टाइप, दिस इज फंक्शन नेम, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स नहीं है, बस यही तो डिफरेंस है। तो मेन के अंदर भी आप लोग पैरामीटर्स पास कर सकते हो, वो आगे सीखेंगे, लेकिन आज तक भी हम लोगों ने कोई पैरामीटर पास नहीं किया इसलिए ऐसे ही लिखते थे। तो अभी जो हमने डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम सीखा कि फंक्शन टाइप वॉइड, फंक्शन नेम मेन, और ब्रैकेट में कोई पैरामीटर्स नहीं, पैरामीटर और बॉडी ऑफ अ फंक्शन आज तक आप बनाते थे पर रिटर्न नहीं करते थे। अब क्या है, आपको बॉडी ऑफ अ फंक्शन ये सारी चीज़ें खुद से ही बनानी है।